हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पढ़ंतु ऑनलाइन। क्वेश्चन आप लोगों को बोर्ड पे दिया हुआ है। आज फिर से हम संस्कृत व्याकरण लेकर के ही उपस्थित हैं आप लोगों के बीच। क्वेश्चन आप लोगों के बीच दिया हुआ है, जितना मैंने चैप्टर पढ़ाया है वो सारा आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, आई होप सो। अभी हम लोग संज्ञा का ही पढ़ रहे हैं, तो आइए संस्कृत व्याकरण में संस्कृत के पद की दृष्टि से संज्ञा के पद कितने होते हैं। तो संस्कृत पद की दृष्टि से, संस्कृत पद के दृष्टि से संज्ञा के 6 पद होते हैं। कौन कौन सी होते हैं? संज्ञा के 6 पद होते हैं। पहला अजंत पुल्लिंग, अजंत पुल्लिंग। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? देव, मुनि, इस सब का विभक्ति आप लोग पढ़िएगा, भानु पितृ आदि, भानु पितृ आदि। उसके बाद दूसरा आ जाता है अजंत स्त्रीलिंग, अजंत स्त्रीलिंग। अजंत स्त्रीलिंग के अंतर्गत आ जाता है लता, मति, धेनु, मातृ। लता, मति, धेनु, धेनु कौमा मातृ आदि। अब दूसरा हो गया ये। तीसरा है हलन अजंत नपुंसक, अजंत नपुंसक। सबसे इंपॉर्टेंट बात, लिंग के बारे में पढ़ लीजिए। संस्कृत व्याकरण में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग एंड नपुंसक लिंग। संस्कृत व्याकरण में होते हैं लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। अब चौथा हो गया हलंत पुल्लिंग। अच्छा, नपुंसक का लिखाना भूल गए। नपुंसक में आता है फल, दधि, मधु, धात्री। फल, दधि, दधि, मधु, धात्री आदि, ये आता है नपुंसक में। चौथा आता है हलंत स्त्रीलिंग, हलंत स्त्रीलिंग। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है? सरित गिर, सरित हलंत का मतलब ही है, हलंत गिर, और दिस आदि। इस सब का विभक्ति हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। पांचवा है हलंत स्त्रीलिंग। हलंत स्त्रीलिंग में आता है, सॉरी, इसमें ये स्त्रीलिंग है, हलंत स्त्रीलिंग ही है, हलंत स्त्रीलिंग ही लिखाए हैं। उफ, सही था, सरित था, सरित गिर और दिस। हलंत पुल्लिंग, हलंत पुल्लिंग में आता है मरुत, रजन, वेधस। रजन, रजन, वेधस,
शताब्दी, इतना का विभक्ति भी हम लोग पढ़ेंगे। और छठा है हलंत नपुंसक, नपुंसक लिंग में आता है जगत पयस आदि। ये छह आता है संस्कृत के पद के दृष्टि से संज्ञा का, इस छह भागों में डिफाइन किया गया है। अब इसको वचन के साथ, इसको लिंग के साथ, इसको हम लोग अलग अलग करके पढ़ेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम आगे चलेंगे। अब हम लोग इसके आगे चलेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक जितना भी पढ़ा है, अब देखिए छह वर्गों में आने वाले कुछ महत्वपूर्ण संज्ञा के पदों के शब्द। छह वर्गों में आने वाले जिसका हम लोग विभक्ति भी पढ़ना है, देव बालक, देव दूसरा बालक, तीसरा विश्वता, विश्वपा चौथा पति, पांचवा सखी, पांचवा सखी, छठा सुधी। सुधी को हिंदी में पंडित कहते हैं। सातवा साधु, आठवा सो भू जिसे ब्राह्मण कहते हैं, ब्रह्मा कहते हैं। नौवां हो गया दात्री, दसवां हो गया पित्री, सबका विभक्ति हमको पढ़ना है। ग्यारहवां हो गया रे या धन बोल लीजिए, धन। बारहवां हो गया, बारहवां हो गया गो या गौ। तेरहवां हो गया ग्लौ जिसे चंद्रमा भी कहते हैं। चौदहवां हो गया लता। पंद्रहवा हो गया जरा, बुढ़ापा इसको कहते हैं। सोलहवा हो गया मति, इसे बुद्धि भी कहते हैं। सत्रहवा हो गया नदी, अठारहवा हो गया श्री, इसे लक्ष्मी भी कहते हैं। उन्नीसवा हो गया स्त्री, वुमेन। बीसवा हो गया धेनु, गाय।
गौ और गौ बैल, आप लोग कंफ्यूज हो जाएगा। इंद्रियां किरण सूर्य, अगर अभी नहीं लिखा देंगे तो जब विभक्ति लिखाने लगेंगे तो आप लोग बोलिएगा मैम आप तो ये लिखा ही नहीं थी। सूर्य बीसवां के बाद इक्कीसवां बधु, बधु जिसे पतोहू कहते हैं। तेईसवां हो गया, किसवां के बाद बाईसवां हो गया भू जिसे पृथ्वी कहते हैं, और तेईसवां हो गया तेईसवां चौबीसवां करके आदि आदि बहुत सारा है। लेकिन ये 22 जो है ये इम्पोर्टेंट है एकदम, जो हमेशा ही प्रयोग में आता है। तो देव बालक विश्वपति शरदी सुधी साधु शंभु दात्री पित्री रै गो गौ या बैल इंद्रियां किरण सूर्य ग्लौ लता जरा मती नदी श्री स्त्री धेनु वधू और भू, इसका सबको हम लकार में भी लिखाएंगे और तिरंत सुवंत सब में इसका चर्चा करेंगे। तो ये 23 जो 22 जो है उसे आप लोग नोट कर लीजिए, संस्कृत में क्लास 6 के बाद और क्लास 10th वालों के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको ये सब चीज़ का शब्द प्रकार पूछा ही जाता है, विभक्तियाँ पूछी ही जाती है। तो आप लोग इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पुरुष पढ़ेंगे और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और इसके बाद आप लोग तिरंत में चलेंगे, ये सुबंत का था, उसके बाद तिरंत में चलेंगे, धातु वगैरह पढ़ेंगे। तो देखते रहिए।